वेलकमिंग यू टू मैग्नेट और जैसे कि हमें पता है कि भाई जो हमारा चैप्टर है ऑफ इंडिया इसमें हमें टोटल थ्री उसमें से फर्स्ट स्टोरी हम ऑलरेडी देख चुके हैं बेकर फ्रॉम गोवा विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी विच टेल्स यू अबाउट यू नो कल्चर अबाउट द बेकर्स विच वर प्रेजेंट इन गोवा अब हम देखने वाले हैं सेकेंड स्टोरी विच इज कुर्ग रिटेन बाय लोकेश अब्रॉल अब ये जो कुर्ग है ना ये भी बहुत ब्यूटीफुल सी स्टोरी है क्योंकि आपको इस स्टोरी में कुर्ग के बारे में पता चलने वाला है अब ये कुर्ग क्या है कर्नाटका में प्रेजेंट एक डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग विच इज वेरी ब्यूटिफुल एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल प्लेस और इसे यूनो ऐसे कंसिडर किया जाता है जैसे कि पैराडाइज हो ऑन अर्थ पैराडाइज मतलब एक हेवन जैसे अगर हमें कोई भी चीज़ यू नो बहुत खूबसूरत लगती है तो हम क्या बोलते हैं बिल्कुल स्वर्ग जैसी खूबसूरत है राइट बिल्कुल हेवनली है सेम चीज़ आप कुर्ग को अगर कभी देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हम यू नो एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जहाँ सब कुछ ब्यूटिफुल है इट गिव्स यू अ वेरी नाइस फीलिंग बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल प्लेस तो हम क्या बोलते हैं इसको जैसे कि पैराडाइज हो ऑन मदर अर्थ क्लियर अब इस स्टोरी में ना हमको लोकेश ऐबरॉल बताने वाले हैं कुर्द के बारे में इसकी ब्यूटी के बारे में किस तरीके का यू you नो know, इसका एन्वायरमेंट है क्या क्या एक्टिविटीज हैं जो लोग यहाँ पर करना पसंद करते हैं यू नो विच इज दैट टाइम ड्यूरेशन जब जाना यहाँ पर बहुत अच्छा होता है और वो कौन सा टाइम है जब लोग यू you नो know, ज्यादा विजिटर्स यहाँ विजिट नहीं करते हैं एंड वॉट इज द रीजन बिहाइंड तो बहुत ही ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन गिवन है हमको इस स्टोरी में अबाउट द प्लेस कुर्ग एंड आई होप आप इसको इतना करोगे ना कि डेफिनेटली यू यू विल नो फील लाइक यार एटलीस्ट एक बार तो विजिट करते हैं इस प्लेस को इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल ट्रस्ट मी क्लियर तो चलिए इसके पहले कि हम स्टार्ट करें विद द स्टोरी लेट्स जस्ट रीड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर हु इज लोकेश ऐब एंड देन वी विल सी द स्टोरी अबाउट कुर्ग क्लियर ऑल राइट लोकेश ऐबरॉल इज अ रिनाउम्ड डॉक्टर बाय प्रोफेशन तो जो ये हमारे ऑथर है ना भाई ही इज अ वेरी वेल नोन डॉक्टर बाय प्रोफेशन ही इज ऑल्सो अ सोशल वर्कर सोशल वर्कर भी अगर आप इनका डिस्क्रिप्शन अच्छे से यू नो पढ़ने जाओ ना अगर इंटरनेट पर तो इन्होंने बहुत काम किया है बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं बहुत अच्छे राइटर हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो इनकी यू नो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं ही इज मल्टी टैलेंटेड लोकेश ऐब्रॉल इज ऑल्सो एंड Established writer, the present essay on Kurg highlights his sharp observation and the ability for a graphic description of the wonderful land that is called Kurg. अब देखो, generally अगर for example अगर मैं कोई बहुत अच्छा hill station visit करके आई हूँ और उसे you know मैं किसी अपने friend को describe कर रही हूँ कि वो कैसी जगह थी तो देखो उसके लिए भी ना एक स्किल चाहिए अगर मैं जनरली बोल दूं फिर हम यहाँ गए फिर हम यहाँ रुके फिर मैंने ये देखा फिर मैंने ये किया तो इससे क्या होगा इससे क्या उस प्लेस का अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलेगा क्या नहीं बट अगर आप इस स्टोरी को पढ़ोगे ना आपको सब दिखेगा अपनी आंखों के सामने यानी इतनी ब्यूटीफुली इन्होंने डिस्क्राइब किया है तो वो ना एक स्किल जो होती है ना टैलेंट होता है कि आप किसी भी चीज को इस, इस, तरीके से डिस्क्राइब कर पाओ कि सामने वाले के दिमाग में एक अच्छी इमेज बन पाए उसे ही क्या कहते हैं हम गुड राइटिंग स्किल्स और ये जो हमारे ऑथर हैं लोकेश एब्रिल इनकी जो ये राइटिंग स्किल्स है ना बखूबी आपको यहां पे दिखने वाली यू कैन जस्ट क्लियरली मेक आउट आई एम यू नो ट्राइंग टू से दैट ही इज सच एन एक्सेलेंट राइटर

फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस तो पहले यू you नो know, हम चैप्टर को बिगिन करें उससे पहले हमको एक छोटी सी आउटलाइन की बनाए कि ये जो कुर्ग है ना वो फेमस किस किस के लिए सबसे पहले तो कुर्ग फेमस है एज अ कॉफी कंट्री यहाँ कॉफी बहुत बनती है ठीक है कॉफी के आपको यू नो गार्डन वगैरह दिख जाएंगे तो कॉफी इज वेरी वेल नोन ऑफ दिस प्लेस और ऐसा होता ना कभी कभी अगर आप यहाँ पे नो कभी घूमने जाओगे तो कुछ कुछ जगह में तो आपको कॉफी की स्मेल भी आएगी मतलब इतना अच्छा फ्रेग्रेंस मिलता है आपको इस जगह पे जाओगे तो अगर तो ये कॉफी कंट्री है दूसरी बात ये फेमस है अपने रेन फॉरेस्ट के लिए रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं ऐसे फॉरेस्ट जिसमें यू नो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना वहां आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है तो इसीलिए क्या कहा गया है रेन फॉरेस्ट क्लियर तो यहाँ पे भी बारिश बहुत होती है तो कुर्ग में आपको रेन फॉरेस्ट भी बड़े देखने को मिल जाएंगे एंड स्पाइसिस और डिफरेंट मसाले स्पाइसिस जो होते हैं ना उसके लिए भी बहुत फेमस है ये प्लेस मिड वे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड इससे अच्छा ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन इस प्लेस का नहीं हो सकता क्या लिखा हुआ है मिड वे यानी कहाँ पर है ये प्लेस सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर हमें पता है भाई मैसूर और मैंगलोर के बारे में सबने सुना हुआ है राइट तो इनके बीच में कहीं पे आपको क्या मिलता है कुर्ग नाम की प्लेस देखने को मिलती है अब कोस्टल का मतलब क्या होता है जो कोस्ट के नियर नियर होते हैं वो लैंड जो सी वगैरह के बहुत नियर होते हैं ना उन्हें हम कहते हैं कोस्टल एरिया क्लियर तो ये जो है प्लेस हमारी कुर्ग ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी मिड कहीं पे मैंगलोर और मैसूर के बीच में ये क्या है भाई इसे कन्वे कैसे किया गया है एज अ पीस ऑफ हेवन यानी ऐसा लगता है कि स्वर्ग का कोई पार्ट हो हेवन जो है पूरा कंप्लीट उसमें से एक पार्ट जो है वो क्या हो कुर्ग हो इतना प्लेस है ये दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम जो कि ड्रिफ्ट हुआ ड्रिफ्ट का मतलब बीन कैरीड अलोंग जेंटली बाय एयर जैसे कि यू नो हवा जो होती है ना एयर कितना बिल्कुल आराम से जेंटली अगर किसी चीज को लेकर जा रही है अपने साथ ड्रिफ्टिंग कहते हैं उसको तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि कुर्ग एक पीस ऑफ हेवन है और ऐसा लगता है ये you know बिल्कुल ड्रिफ्ट करते हुए लाए गए हैं इसको कहाँ से फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड यानी भगवान का जो नो you know, राज्य है जो किंगडम है भगवान का वहां से ऐसा हवा के थ्रू ड्रिफ्ट करते हुए एक पीस ऑफ हेवन को लेकर आए हैं जिसे हम कुर्ग कह रहे हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है आपसे पूछा जा सकता है यू नो डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ कुर्ग इन टू टू थ्री लाइन तो आप क्या बोल सकते हो कुर्ग इज सिचुएटेड समेड मिडवे बिटवीन वॉट मैंगलोर एंड मैसूर एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ पीस ऑफ हेवन विच है किंगडम ऑफ गॉड क्लियर तो जो ये हमारी प्लेस है ना कुर्ग इट्स वेरी ब्यूटीफुल अगर आप ये पिक्चर भी देखोगे ना तो देखो कितना खूबसूरत सा सीन है बिल्कुल बहुत ही हिल्स वगैरह होती हैं बिल्कुल ग्रीनरी ग्रीनरी होती है एक बहुत ही प्यारा वेदर होता है तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जाना ठीक है तो हम इसे बोलते भी ऐसे ही देखो तो ऑसम पैराडाइज ऑन अर्थ क्लियर ऑल राइट This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women, and wild.

हैविंग टू डू विथ वॉर यानि वो जो स्ट्रोंग लोग होते हैं ना बिल्कुल मार्शल जो हम मार्शल आर्ट्स भी बात करते हैं वैसे लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे यानी हु आर प्राउड ऑफ देयर स्ट्रेंथ दीज टाइप ऑफ मैन यू विल फाइंड वेयर लिविंग इन दिस प्लेस विच इज क्लक ब्यूटिफुल वुमेन और यहाँ पर अगर आप चले जाओ तो यहाँ की जो वुमेन होती है ना महिलाएं होती हैं बड़ी ब्यूटीफुल होती हैं बहुत खूबसूरत होती है जस्ट लाइक द प्लेस इट सेल्फ एंड वाइल्ड क्रीचर्स और बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो पूछा जा सकता है कि यू नो टेल समथिंग अबाउट द पीपल और द इनहेबिटेंट्स ऑफ द प्लेस तो आपको पता होना चाहिए कि यू नो दिस प्लेस इज इनहेबिटेड बाय प्राउड मार्शियल मैन ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स द वेदर इज परफेक्ट विथ ट्रेडिशनल कुरकी ड्रेस सम शार्स थ्रोन इन गुड मेजर क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि जो वेदर है ना यहाँ का मौसम बहुत परफेक्ट है परफेक्ट वेदर कैसा होता है जैसे आप कभी देखो अगर मौसम हो रहा होता है बारिश टाइप का बट होती नहीं है तो वो हमारे लिए बहुत ही प्यारा सा वेदर होता है राइट सेम वेदर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कहाँ?

फिर आपको यहाँ क्या पता चल रहा है कि बहुत सारी यू नो रोलिंग हिल्स हैं वेदर बहुत ही प्यारा है परफेक्ट सा वेदर है और क्या हो रही है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है क्लियर द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी कॉफी स्टेट्स एंड कोलोनियल बंग्लोस स्टैंड टगड अंडर ट्री कैन इन प्राइम कॉर्नर्स देखो बहुत सारी बातें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द एयर ब्रीथ ऑफ

सेम फ्रेगरेंस किसकी होती है कॉफी की राइट right? तो आप अगर यहाँ ना इस जगह पे चले जाओ तो इस जगह की जो हवा है जो एयर है इसमें आपको बिल्कुल उस कॉफ़ी की स्मेल आती है फ्रेगरेंस आती है जो कि बहुत एनर्जेटिक फील कराती है क्लियर तो यहाँ अगर आप चले जाते हो तो हवा में हर जगह कॉफ़ी की जो स्मेल है जो फ्रेगरेंस है वो आपको मिल जाएगी कॉफ़ी स्टेट्स एंड कोलोनियल बंगलोस स्टैंड टप्ड अंडर द ट्री कैनोपीज़ अब इससे पहले यू नो हम पूरी लाइन देखे हमें क्या समझना है कि कैनोपी क्या होता है देखो रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर्स यानी कि अगर हम ये बोले ये ट्री है तो ये जो हो जाता है ना पार्ट इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है कैनोपी है यानी कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा एक तो कॉफी स्टेट क्योंकि कॉफी बनती है यहाँ पर ठीक है फिर आपको बंग्लोव मिल जाएंगे कलोनियल यानी कि जो उस टाइम के जो बंगलोज होते हैं ना बिल्कुल टिपिकल ट्रेप, ट्रेप, ट्रेडिशनल वैसे बंगलोज आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पेड़ की कैनोपी से ढके हुए हैं यानी कहीं बहुत ज्यादा पेड़ पेड़ है और आपको बीच में क्या मिल जाएगा एक बंगलो मिल जाएगा टग अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स प्राइम का मतलब क्या होता है हेयर बेस्ट यानी कि बेस्ट जो जगह होती है ना जो कॉर्नर्स होती है यहाँ की कुर्ग की वहां आपको कैनोपीज से बिल्कुल ढका हुआ क्या मिल जाएगा बंगलोज मिल जाएंगे क्लियर फ इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबिल ऑफ ग्रीक और स्ट्रॉगली इंडिपेंडेंट होते हैं अब किसी पर डिपेंड नहीं करते वैसे लोग आपको जो है यहां पर देखने को मिल जाएंगे और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये जो फियर्सली इंडिपेंडेंट बहुत स्ट्रॉन्गली इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं वो या तो ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट के हैं यानी कि यू you नो know, एक बोलते हैं ना कि नस्ल यानी कि कुछ जनरेशन से पास ऑन होता है वो जो चीज़ है वो या तो ऐसा लगता है कि ग्रीक कल्चर कहीं ना कहीं पास ऑन हुआ है या फिर अरेबिक कल्चर पास ऑन हुआ है दोनों ही माने जाते हैं क्यों क्योंकि क्यों इनके प्रूफ भी दिए हैं हमको चैप्टर में ऑथर ने कि क्यों ग्रीक कल्चर को माना जाता है या फिर अरेबिक डिसेंट माना जाता है और ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना जो फ्यसली इंडिपेंडेंट है बिल्कुल मार्शल मैन तो इनको देख के ऐसे ही लगता है कि यू नो दिस कल्चर हैज़ बीन पास्ड ऑन क्लियर ऑल राइट एज वन स्टोरी गोज अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हेयर वैन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल अब जो अलेक्जेंडर हैं ठीक है थीके? ग्रीस ग्रीक कल्चर की बात हो रही है तो एक बार ऐसी स्टोरी कही जाती है ऐसा माना जाता है कि ये जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी यानी कि अलेक्जेंडर ग्रेट जो है भाई उनकी जो आर्मी थी उनमें से कुछ लोग जो है वो मूव कर गए थे साउथ अलॉन्ग द कोस्ट यानी साउथ क्या हुआ भाई कर्नाटका साइड हो गया कोस्टल साइड हो गया तो कहीं ना कहीं कुर्ग आ गया उस पार्ट में राइट तो यहाँ पर माना जाता है कि अलेक्जेंडर आर्मी के कुछ लोग जो हैं वो यहां पर गए थे सेटल्ड रिटर्न बिकेम प्रैक्टिकल और यहीं पे सेटल हो गए जब उनको लगा कि अब वापस जाना मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकल नहीं है तो वहीं पे ये लोग जो हैं सेटल हो गए दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अ पैरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस और फिर ये जो आर्मी के लोग थे वो यहीं पर रह गए ठीक है सेटल हो गए और यहीं के लोकलाइट से यू you नो know, इन लोगों ने शादी वादी कर ली मैरिज हो गई तो फिर कहीं ना कहीं वो कल्चर जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ जो ग्रीक कल्चर है राइट तो ये लोग जो है यहीं पर सेटल हो गए लोकलाइट से या इन लोगों ने शादी कर ली दे मैरिड द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस अपेरेंट का मतलब क्या होता है ऑब्वियस यानी कल्चर जो है आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर इन द मार्शियल ट्रेडिशंस यानी कि जो भी यू नो ये जो मार्शल आर्ट्स वगैरह होते हैं या फिर इन लोग की जो भी यू नो फाइट जो भी वॉर वॉर की जो होते ना, stunts हैं ना स्टंट्स वगैरह या फिर लीजिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ये सब जो है कहीं ना कहीं दिखता है कि ग्रीक कल्चर से आया है क्लियर नेक्स्ट आपको मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स जो होते हैं इनमें भी ग्रीक कल्चर देखने को मिल जाएगा राइट्स मतलब अ सोशल कस्टम प्रैक्टिस और कन्वेंशनल फैक्ट जो एक ट्रेडिशनल एक बोलते हैं ना एक रूल होता है कुछ चीज़ें होती होती हैं जैसे हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा होता है शादी में किसी शादी में कुछ कल्चर होता है तो ये क्या हो जाते हैं ट्रेडिशनल राइट्स हो जाते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर आप मार्शल ट्रेडिशन देख लो आप मैरिज देख लो आप राइट्स देख लो रिलीजियस रॉइट हर किसी में आपको यू you नो know, ये ग्रीक कल्चर देखने को मिल जाता है विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम नाउ वॉट डज मेन स्ट्रीम मीन्स अ ट्रेडिशन विथ मोस्ट पीपल फॉलो यानी वो ट्रेडिशन जो यू नो प्रॉपर हिंदू या इंडियंस के लिए बोला जाता है कि वो फॉलो करते हैं

कोट यानी कि यू नो एक ड्रेस देखी जाती है जो बहुत बड़ा सा देखो ये ब्लैक कलर का कोट है फिर आपको क्या दिख जाएगी एम्ब्रॉयडेड वेस्ट बेल्ट यानी ये जो वेस्ट पे बेल्ट टाइप का लगा हुआ है ना ये होता है Embroider का मतलब क्या बोलते हैं कि जो सुई होती है उसके थ्रू नो आप एम्ब्रॉयडरी करते बार हो बहुत सुना होगा आपने तो यहाँ पर भी एक लॉन्ग ब्लैक कोट उस पर पे बेल्ट पे और वो बेल्ट कैसी है एम्ब्रॉयडर्ड जो कि कौन पहनते हैं पहनते हैं यहाँ पे जो कुर्गी लोग हैं वो लोग इस अटायर में आपको दिख जाएंगे तो ये वहाँ का ट्रेडिशनल अटायर है तो इस अटायर को देखते हुए क्या लगता है कि अराबिक डिसेंट है ऐसा क्यों नोन एज कुफिया इट द कुफिया वन बाय एंड द यानी कि जो अराबिक पीपल होते हैं ना ये लोग क्या पहनते हैं इन लोग को जाना जाता है कि ये लोग क्या पहनते हैं कुफिया ठीक है और इसी से मिलती जुलती ड्रेस कौन सी है इनकी ये ड्रेस जिसे क्या कहा जाता है कुपिया ठीक है इसी के नाम से इन लोगों ने नाम रख दिया है तो इस अटायर को देखते हुए कहीं ना कहीं अरेबिक डिसेंट दिखता है तो इसीलिए यू you नो know, यहाँ पे जो कुर्गी पीपल हैं यहाँ पे दोनों चीजें मानी जाती है कि यहाँ तो एक ग्रीक डिसेंट भी है और अरेबिक डिसेंट भी है ग्रीक डिसेंट क्यों है वो हमने देख लिया जो भी राइट्स हैं ट्रेडिशनल मार्शल जो भी ट्रेडिशन होते हैं मैरिजेस हो गई उसमें आपको देखने को मिल जाएगा और इनका जो अटायर है जिसे हमने क्या कहा है कूपिया आपको पता

Fathers. क्या बोला है यहाँ पर कि कुर्गी होम्स जो ना उनमें एक ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी होता है यानी जो मेहमान नवाजी कहते हो हिंदी में उसे हम कहते हैं हॉस्पिटैलिटी द फ्रेंडली एंड रिसेप्शन एंड एंटरटेनमेंट ऑफ गेस्ट विजिटर्स और स्ट्रेंजर्स इज वॉट इज सेट टू बी हॉस्पिटैलिटी होता है ना कि उन बहुत हॉस्पिटैलिटी की अच्छी क्वालिटीज है यानी कि बहुत अच्छे से मेहमान वाजी करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं अपने विजिटर्स का गेस्ट का या का, उसे आप कहते हो कि एक हॉस्पिटेलिटी है ठीक है तो कुर्ग की जो होम्स होते हैं ना यानी आप कुर्ग में चले जाओ तो उनके घरों में आप कभी भी जाओ तो आपको बहुत अच्छा वेलकम मिलता है बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी वहां पर देखी जाती है एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रीकाउंट यानी कि ये लोग जो है ना हमेशा खुश रहते हैं तैयार रह किस चीज के लिए रिकाउंट यानी बार बार बात करने के लिए किसके बारे में न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलोर टेल्स ऑफ वेलोर यानी स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर होता ना हमारे जो एनसिस्टर्स रह चुके हैं जिन्होंने इतना फाइट किया फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री या जो भी सिचुएशंस थी तो हम क्या करते हैं उनके बारे में हमेशा बात करते हैं राइट सेम चीज़ यहाँ कुर्गी लोगों का है कि उन लोग जो है कभी भी ऐसा नहीं होता कि तैयार नहीं है हमेशा दे आर रेडी टू टॉक अबाउट टू रिकाउंट यू नो द न्यूमरस वेल्स ऑफ टेलोर यानी सॉरी टेल्स ऑफ वेलोर यानी कि जो वॉर रिलेटेड बिल्कुल करेज रिलेटेड जो स्टोरीज होती हैं उनके बारे में रिलेटेड टू देर सन एंड फादर्स यानी अपने बेटों से रिलेटेड या अपने पापा से किसी कोई अपने फादर से रिलेटेड ये स्टोरीज जो है हमको बताते हैं अगर हम वहाँ पे विजिट करें मीन्स दे आर सो प्राउड एंड दे आर सो मच यू नो हैपी टू शेयर दीज थिंग्स विदीपल कमिंग देयर क्लियर ऑल राइट द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल कुर्गी क्या लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ अवॉर्ड फॉर ब्रेवरी इन वॉर देखो कोई भी आर्मी में है उनके लिए डेकोरेशन का मतलब क्या होता है कि वो जो मेडल्स वो जो स्टार्स राइट right? वो जो अचीवमेंट होती है वो यानी कि जो कुर्ग रेजिमेंट होता है है नाम हमारे इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा डेकोरेटेड माना जाता है क्यों क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा क्या अवार्ड्स या फिर बोल सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ अवार्ड्स ब्रेवरी के लिए जीते हैं क्लियर तो ये क्या हो जाती है मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ जो इंडियन आर्मी के पहले चीफ थे जिनका नाम था जनरल करिप्पा वो भी क्या थे एक कुरगी थे

वॉटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग अब हमारे यू नो रिवर फॉरेस्ट इनकी साइड पे रिवर कावेरी है, हाँ, पर कावेरी नदी के बारे में सबने सुना है जो हिल्स है कुर्ग की या जो फॉरेस्ट है वहां से जो पानी आता है ना वो ही किसमें जाता है कावेरी में यानी कावेरी का कुछ पानी का जो पार्ट है वो कहा से मिलता है आपको कुर्ग से महासिज फ्रेश वॉटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर्स और महासीर जो है वो ऐसी कुछ मछली दिखती है आपको ये आपको बहुत मिल जाएगी यहाँ पर अमाउंट का मतलब क्या होता है एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर और अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट में भारी भरकम अमाउंट में आपको क्या दिख जाएंगी महासीर दिख जाएगी जो कि एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है यानी कि जो सी वाटर नहीं होता जो फ्रेश वॉटर होता है ना वहां पर आपको मिल जाएगी कौन सी फिश महासीर Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear वाटर क्या गिवन है आपको कि अब आपको, आपको और क्या क्या देखने को मिल जाएगा एक तो महासिव दिख जाएगी राइट फिर आपको क्या दिखेगा जो किंग फिशर्स होती है कि ऐसी बर्ड जो नो, फिशेस खाती है हम कहते है, हैं किंग फिशर तो ये आपको डाइव करते हुए दिख जाएंगी यानी कि एकदम से उड़ते आएंगे और मछली पकड़ के जाते हुए आपको बहुत दिख जाएंगी क्या किंग फिशर्स वहां पर फिर आप क्या देखोगे कि जो स्क्विरल्स होती हैं जिन्हें आप गिलहरी बोलते हो और जो लंगूज होते हैं इन दोनों को आप देखोगे कि ये लोग क्या ड्रॉप करते हैं फेंकते हैं पानी के अंदर पार्शली ईटन फ्रूट यानी आधा फ्रूट खाया और जो बाकी आधा बचता है ना वो क्या करते हैं वो मिस्चीव ऑफ इंजॉय क्योंकि इनको भी यू नो बहुत मस्ती वस्ती चढ़ती है वाइल्ड क्रीचर्स को तो ये लोग क्या करते हैं ये पार्शली ईटन फ्रूट को ड्रॉप करते हैं पानी में फेंकते हैं जस्ट टू सी द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट स्प्लैश का मतलब क्या होता है एकदम से फेंक तो पानी उछलता है राइट right? और रिपल इफेक्ट का क्या मतलब होता है अ स्मॉल वेव और सीरीज ऑफ वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर कॉज बाय एन ऑब्जेक्ट

पर्सन हु वर्क्स विद राइड्स एंड टेंट्स एंड एलिफेंट जो यू नो हाथी के साथ एलिफेंट के साथ आपको हमेशा कोई ना कोई दिख जाएगा राइट जैसे अगर आप राइड भी लेते हो एलिफेंट राइड तो कोई ना कोई होता है, को है, टेक करता है इनकी उन्हें आप कहते हैं महोत्स तो ये जो होते हैं दिख जाएंगे एलिफेंट जो है बड़ा एंजॉय करते हैं जब इनको यू you नो know, नहलाया जाता है देआर स्क्रब्ड स्क्रब्ड मीन रब हार्ड स्वास्ट टू क्लीन देम टिपिकली विद्रश एंड वॉटर यानी ब्रश और पानी की मदद क्लीन you know, किया जाता है तो बड़ा एंजॉय करते हैं कौन एलिफेंट तो एलिफेंट को देख लिया जाएगा जाता यहाँ पर कि ये बड़ा इंजॉय करते होते हैं यानी महूत जो है वो पानी में आपको एलिफेंट्स को नहलाते हुए स्क्रब करते हुए बहुत दिख जाएंगे यहाँ पर तो आपको यू नो एक पिक्चराइजेशन दिया जा रहा है कि अगर आप जाते हो कुर्ग तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है वो बहुत ही ब्यूटिफुल यू नो ऑथर ने हमको यहाँ पर बताया क्लियर ऑल द मोस्ट लेड बैक इंडिविजल्स बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग कैनोइंग और आगे हम और भी एक्टिविटीज देखेंगे ठीक है तो क्या लिखा है जो मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स यानी कि रिलैक्स नॉट इन अरी कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल आराम से हर चीज चाहते हैं जो एडवेंचरस नहीं होते ज्यादा राइट जिन्हें बस नॉर्मल चीज़ें पसंद होती है बिल्कुल नॉर्मल जो स्पीड पर लाइफ चलती है वैसी तो ये लोग जो होते हैं ना मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल वो भी यहाँ आके कन्वर्ट हो जाते हैं चेंज रहते किस चीज में भाई टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर यानी यहाँ आपको बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट दिख जाएंगे तो ये एडवेंचर में यू ना आपको कन्वर्ट कर अपने आपको कन्वर्ट करते हुए दिख जाएंगे कौन मोस्ट लेड बैक एनिमल्स एनिमल्स बोल रू मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स यानी जो लोग बड़ा स्लो लाइफ चाहते हैं वो भी यहाँ पर बड़ा एन्जॉय करते हैं किसी एडवेंचरस स्पोर्ट्स को जैसे रिवर राफ्टिंग पहला जो हमारा स्पोर्ट है इट मीन्स वॉट ट्रेवलिंग इन अ रिवर इन अ

बोट यानी जब आप राफ्ट में कर रहे हो ट्रैवल इन अ रिवर तो वो जाती है रिवर राफ्टिंग और अगर आप कैनोए में कर रहे हो दैट वुड बी कैनोए यानी कि कैनोए क्या होता है एक ऐसी लॉन्ग नैरो टाइप की बोट होती है बहुत लंबी सी सामने से बिल्कुल ऐसा होता है कि चोंच टाइप की निकली हुई हो बीक टाइप की निकली हुई हो इस तरीके का शेप होता है और इसमें बैठ के आप यू you नो know, रिवर में

बहुत ही एडवेंचर स्पोर्ट दिख रहा है राइट तो यानी आप एक क्लिप से नीचे आते हो एक रस्सी की मदद से रोप की मदद से उसे आप क्या कहते हो रैपलिंग नेक्स्ट आपको क्या एक्टिविटी दिख जाती है यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग ऑब्वियस है रॉक को क्लाइंब करना है दैट इज व्हाट रॉक क्लाइंबिंग मींस द स्पोर्ट और एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग रोप फेसिंग स्पेशली विथ द एड ऑफ रोप एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स कुछ आपको स्पेशल इक्विपमेंट दे दिया जाते हैं हेलमेट वगैरह दे दिया जाता है प्रोटेक्शन दे दिया जाता है ताकि भाई गिरो तो टूट वूट नहीं जाओ ठीक है और फिर आपको रोप दे दी जाती है यानी तो आप उसकी मदद से यू नो रॉक को क्लाइंब करते हुए ऊपर चढ़ते हो नाउ दिस इज अ वेरी एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो लोग ये भी करना यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एंड फाइनली माउंटेन बाइकिंग यानी कि कुछ यू नो स्पेशल बाइक्स होती हैं जो आप माउंटेन एरिया में चला सकते हो दैट इज वॉट माउंटेन बाइकिंग मीन्स अ स्पोर्ट or riding bicycles off road often over rough तो यह कुछ माउंटेन बाइक्स होती, होती है ना तो वहां आप जो हो इस बाइसा को चला रहे हो तो दिस इज नोन एज वॉट माउंटेन बाइकिंग तो भी आपको एक स्पोर्ट एक्टिविटी यहाँ पे दिख जाएगी तो अगर आप कुर्ग जाते हो और आपको यू नो एडवेंचरस स्पोर्ट्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है बट

Numerous walking trails in this region are a favorite with ट्रैकर्स अब हमें पता है भाई ट्रैकर्स क्या होते हैं जो बहुत यू नो माउंटेन वगैरह चढ़कर जाना बड़ा पसंद करते हैं राइट right? तो उन्हें हम कहते हैं ट्रैकर्स तो यहां पे बहुत सारे वॉकिंग वॉकिंग ट्रेल्स मिल जाएंगे इज अ ट्रेल पाथ क्रिएटेड बाय यानी बिल्कुल यू नो जा रहे हैं बहुत सी चीजों पर एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो गया बहुत ऊपर ऊपर यू you नो know, चढ़कर सब बोल सकते हो देखना चाहते हैं कि कहाँ तक हम जाते हैं ट्रैकिंग उससे कहते हैं राइट right? तो ट्रैकर्स के लिए यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल यू नो बहुत सारे ट्रेल्स आपको मिल जाएंगे बर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी और अगर आप अकेले भी जाते हो ना तो कोई इशू नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पे आपको इतने सारे क्रीचर्स मिल जाएंगे जैसे आपको बहुत प्यारी प्यारी बर्ड्स मिल जाएंगी आपको बीज यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो दिख जाएंगी या बटरफ्लाइज यानी कि तितलियाँ ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी तो ऐसा लगेगा कि ये सब हैं आपके लिए यू नो आपको कंपनी देने के लिए मकैक्स मालाबर्स क्वियल्स लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी और जो ट्री कैनोपी ऑलरेडी बात कर चुके हैं यहाँ पर आपको बहुत से क्रीचर्स दिख जाएंगे जो एक वॉचफुल आई रखते हैं यानी कि वॉच केयरफुली जो आपको बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं जिनमें से कुछ कौन से हैं भाई Macaques, एक टाइप का मंकी है मालाबार गिलहरी लंगूज एंड स्लेंडर लॉरिस स्लेंडर लॉरिस कैसे दिखता है इस टाइप का एक एनिमल होता है ठीक है तो ये सब आपको यू नो ट्री कैनोपी से आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए दिख जाएंगे आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप अड फॉर वाइल्ड

ऑफ मतलब फुल ये जो होता होता है है ना ना तो बिल्कुल धुआं धुआं टाइप का उसे आप कहते हो तो तो इतना ठंड पे मिस्टी तो बिल्कुल सा लैंडस्केप होता है तो आपको पूरी तरीके से एक लैंडस्केप दिख At is a bonus. क्या दिया है हाँ पर फिर आप जो है वहां पर तो क्या देख पाते हो बुद्धिस्ट मॉन्ग्स यहाँ पे आपको बहुत से बुद्धिस्ट टेम्पल दिख जाएंगे और आपको बुद्धिस्ट मॉन्ग दिख जाएंगे फ्रॉम इंडिया टिबेतियन सेटलमेंट एट नियर बाय बाल और ये व्यू तो ठीक ही था भाई मिस्टी सा लैंडस्केप तो ठीक ही था पर जैसे जैसे धीरे जाते हो तो जो ये बुद्धिस्ट मॉन्ग्स और ये जो टेम्पल्स दिख जाते ना आपको ये भी एक एडिशनल बोनस है यानी ब्यूटी ब्यूटी है एडिशनली आपको जितना देखना आप देख सकते हो और आपको हर एक जगह पर ऐसा लगेगा कि वाओ सच अल प्लेस इट इज क्लियर ऑल रेट द मॉन्ग्स इन रेड ओकरे एंड येलो रोब्स आर अमांग मेनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर एंड कर्ज और फिर आप जैसे जैसे यू नो बताए ना ये बुद्धिस्ट टेम्पल्स वगैरह जब देखते हो तो आपको मॉन्ग्स दिख जाते हैं जो कि यू नो इस तरीके से कुछ दिखते हैं बुद्धिस्ट मॉन्ग्स राइट अगर आपने देखा हो तो इनकी ड्रेस जो है ना वो ज्यादातर कौन कौन से कलर्स की होती है रेड ओकरे एंड येलो रोब्स तो इन कुछ कलर्स की आपको ड्रेसेस इनकी दिख जाती हैं एंड आर अमंग्स द मेनी सरप्राइजेस दैट वेट यानी अगर आप कुर्ग में जाते हो ना तो आपको हर एक जगह पे ऐसा लगता है कि या वाह मतलब आप सरप्राइज हो जाते हो इतना ब्यूटीफुल प्लेस है आपको इतनी अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं और उनमें से एक क्या है बुद्धिस्ट मॉन्स है टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हेयर इन कुर्स और ऐसा लगता है नो, इंडिया का पूरा हार्ट पूरी सोल मोस्ट ब्यूटीफुल जगह दिख जाती है आपको, तो आपको कुर्ग में दिख जाएगी अगर आप जाते हो तो आपको ऐसा लगेगा इन दिन ऑफ इंडिया ठीक है ऑल राइट right. अब ना आपको यह स्टोरी तो यहीं तक गिवन है ठीक है आपकी स्टोरी दिस इज दू नो डिस्क्रिप्शन बाय द ऑथर ऑफ द प्लेस कुर्ग क्लियर अब आपको एक फैक्ट फाइल दी है कि भाई कभी अगर इंटरेस्टेड हो जाने में कुर्ग तो आप किस तरीके से पहुंचोगे क्या यू नो वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जिससे आप कुर्ग पहुंच सकते हो क्लियर तो फैक्ट फाइल में पहले आपको गिवन है हाउ टू रीच मडी कैरी द हेडक्वार्टर्स इज द ओनली गेट वे टू कुर्ग ठीक है तो मडी कैरी एक जगह है भाई यहाँ से ही आप कुर्ग के लिए जा सकते हो द मिस्टी हिल्स यानी ऐसी हिल्स हैं भाई पहाड़ियां हैं जो बिल्कुल मिस्टी सा लैंडस्केप है यानी है ना उनको धुआं धुआं ठंडा सा टाइप का जो दिखता है ना वाइट बिल्कुल बहुत ज्यादा अगर ठंडी जगह पे चले जाओ हिल स्टेशन पे चले जाओ तो बिल्कुल एक धुआं टाइप स्मोक टाइप का दिखता है उसे हम क्या कहते हैं मिस्ट लश फॉरेस्ट वट इज लाश वेजिटेशन स्पेशली ग्रास ग्रोइंग लग्जरियटली यानी बहुत ज्यादा यू नो ग्रीनरी ही ग्रीनरी आपको दिखती है जैसे अगर आप हिल्स देख लेते हो तो हर जगह देखो कितना ज्यादा ग्रीनरी है तो इसे आप क्या कहते हो लश फॉरेस्ट एंड कॉफी प्लांटेशन और हमें पता है कि भाई यहाँ पे कॉफी बहुत ज्यादा बनती है और आपको हमेशा एक इन्विगोरेटिंग कॉफी की स्मेल आती रहेगी विल कास्ट अ स्पेल लॉन यू नो वॉट इज अ कास्ट अ स्पेल टू यूज मैजिक टू मेक समथिंग हैपन टू समन होता ना कुछ हम मैजिक स्पेल्स की बात करते हैं कुछ मंत्र होते हैं जिसकी वजह से आप किसी पर भी जादू कर दो ऐसा जो हम फैंटेसी स्टोरीज में देखते हैं तो सॉर्ट sort ऑफ of वैसा ही मैजिक आपके ऊपर हो जाता है अगर आप कुर्ग में जाओ और वहां का यू you नो know, आप मिस्टी हिल्स देखो लाश फॉरेस्ट देखो वहां की कॉफी प्लांटेशन देखो तो ये सारी चीजें आपके ऊपर कहीं ना कहीं से ना एक तरीके का जादू कर देती हैं फाइंड अ रिजॉर्ट कॉफी स्टेट और स्टे इन अ होम फॉर अ ट्रूली कुर्गी एक्सपीरियंस और अगर आप सच में चाहते हो कि कुर्ग को यू you नो know, हमें एंजॉय करना है तो या तो एक कोई रिजॉर्ट ढूंढ लीजिए या फिर कॉफी स्टेट और स्टे इन होम यानी तो आप कोई अच्छा सा ढूंढिए या फिर you know, आप आप यू आप आप तो आपको एक प्रॉपर ट्रू एक्सपीरियंस मिल जाए कुर्ग का क्लियर ऑल राइट बाय एयर अब आपको बताए गए डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कि अगर आपको फ्लाइट लेके जाना है कुर्ग तो आप कैसे जाओगे सो द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर मैंगलोर 135 थर्टी किलोमीटर्स एंड बैंगलोर 260 सिक्सटी किलोमीटर यानी कुर्ग से यू नो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट मैंगलोर है जो कि 135 थर्टी किलोमीटर्स के आसपास है और बैंगलोर जो है वो दूसरा नियरेस्ट सेकंड बोलेंगे फर्स्ट सबसे ज्यादा नियर कौन सा एयरपोर्ट है भाई बैंगलोर सेकेंड अगर एयरपोर्ट आपको देखना है तो वो कौन सा हो जाता है टू सिक्सटी किलोमीटर्स फार पे बैंगलोर एयरपोर्ट देर आर फ्लाइट टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई एंड टू बैंगलोर फ्रॉम अहमदाबाद चेन्नई दिल्ली गोवा हैदराबाद कोची कोलकाता मुंबई एंड पुणे आपको सारे मेजर मेजर सिटीज़ के नाम दे दिए हैं क्योंकि यहीं से ज़्यादातर आप फ्लाई करते हो तो क्या लिख दिया है कि अगर आपको यू नो मैंगलोर जाना है तो मुंबई से आपको फ़्लाइट मिल जाएगी फिर आप वहां से कुर्ग के लिए कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो सेकेंडली अगर आप बैंगलौर से जा रहे हो तो फिर बैगलौर के लिए जो है फ़्लाइट सॉरी बैगलौर एयरपोर्ट जाना चाहते हो तो वहां के लिए आपको फ्लाइट्स हर जगह से मिल जाती है वो अहमदाबाद हो वो चेन्नई हो वो दिल्ली हो वो गोवा हो हैदराबाद कोची कोलकाता यानी सारी प्लेसेस दे दिए मुंबई पुणे तो आप किसी भी जगह से यू नो बैंगलोर एयरपोर्ट के लिए भी जा सकते हो तो बाय एयर आपके पास दोनों मीनस हैं या तो मैंगलोर एयरपोर्ट पहुँच जाए या फिर आप बैंगलोर एयरपोर्ट पहुँच जाए क्लियर ऑल राइट right. बाय रेल अगर आप ट्रेन से जाना हो तो द नियरेस्ट रेल मैसूर मैंगलोर एंड हसन तो अगर आपको रेलवे यूज करना है ट्रेन से जाना है तो तीन स्टेशन हैं जहां आप जा सकते हो फर्स्ट इज मैसूर का स्टेशन सेकेंड इज मैंगलोर स्टेशन एंड थर्ड इज हसन स्टेशन तो आप इन स्टेशन से पहुंच जाए आफ्टर दैट यू सी और कौन से मीन्स हैं टू तो रीच कुर्क दैन बाय रोड इफ यू आर ड्राइविंग योर सेल्फ राइड अगर आप कार से जा रहे हो रोड से जाना चाहते हो बस से जाना चाहते हो यानी वही कोई भी व्हीकल जो आप बाय रोड यूज कर रहे हो दैन देर आर टू रूट्स टू कुर्ग फ्राम बैंगलोर बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस दो रूट्स हैं दोनों का ही डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है अराउंड टू फिफ्टी टू टू सिक्सटी किलोमीटर्स द रूट बाई मैसूर इज द मोस्ट फ्रीकुंट वन बट मैसूर से जो रोड जाता है ना वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टू रीच

अब आती है भाई समरी यानी बेसिकली आपको ये समझ आ गया है कि भाई कुर्ग क्या है एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैराडाइज है ऑन मदर अर्थ और आप कभी भी यहाँ पे ना जाने के लिए ऑब्वियसली अगर ये सब कुछ पढ़ लिया है तो जाने का मन बिल्कुल करने वाला है क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है कुर्ग के लोगों के बारे में हो उनका डिसेंट के बारे में हो अरेबिक डिसेंट हो ग्रीक डिसेंट हो कपड़े हो यू you नो know, और उसके बाद आपके यू you नो know, आर्मी रेजिमेंट की जो बात हुई है वो हो या फिर यहाँ की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हो डिफरेंट तरीके हो यू नो टू जस्ट इन्जॉय द प्लेस और या फिर आपको वहां पहुंचना कैसे है ये तक आपको ऑथर ने इस चैप्टर में बता दिया है तो आई होप आपको एक पूरा कम्पलीट डिस्क्रिप्शन मिल गया है ऑफकोर्स आई नो देर आर लॉट्स ऑफ फैक्ट्स जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे बट इफ़ यू ट्राई टू इन्जॉय दिस स्टोरी डेफिनेटली यू विल यू नो टेक नो एफर्ट टू लर्न ऑल दी फैक्ट्स क्लियर तो आई होप आपको पूरी कम्पलीटली ये स्टोरी क्लियर हो गई है नाउ लेट्स डिस्कस अ शॉर्ट समरी अबाउट दिस

This place is more fascinating because of the sweet aroma of a variety of spices. और यहाँ पे आपको coffee की smell तो मिलती मिलती है but बहुत different varieties of spices की भी आपको यहाँ पे smell देखने को मिल जाएगी Today this culture is a mixture of Greek or Arab and the local people. और यहाँ हम already देख चुके हैं कि एक Greek descent है अराबिक डिसेंट है और ऑब्वियसली वहाँ के जो लोकल होंगे उनका अलग कल्चर टाइप ठीक है तो ये तीनों का मिक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो आप बोल लीजिए कि ये स्पाइसेस या कॉफी की जो स्मेल है वो आपको यू नो फील करने को मिल जाएगी जो डिफरेंट वेज हैं यू नो जिस तरीके से आप फील कर सकते हो कुर्ग को वो हो जाएंगी इनकी जो फ्रेग्रेंसेज हैं सेकेंडली आप यहाँ पे देखोगे कि एक ग्रीक एक अरेबिक और लोकल लोगों का यू you नो know, एक मिक्स कल्चर आपको देखने को मिल जाएगा Kurgi people are known for their वेलोर and boast of most decorated army personnel. हमें पता है इंडियन आर्मी में जो कुर्ग की जो रेजिमेंट है ये सबसे ज्यादा डेकोरेटेड यानी सबसे ज्यादा ब्रेवरी अवॉर्ड इन्होंने जीते हैं और ये जो है आपको हर जगह देखने को मिलेगा और अगर आप कहीं जाते भी हो तो यहाँ के लोग जो हैं वो टेल्स ऑफ वेलोर यानी कि अपनी ब्रेवरी की जो स्टोरीज हैं वो बताने में हमेशा प्राउड फील करते हैं कभी भी यू नो ऐसा नहीं होता कि हित किच क्लियर नाउ इट अबाउंड इन फ्लोरा एंड

बोल सकते हैं बहुत ही अच्छी राइटिंग है इनकी क्योंकि इनमें एक वो कला है कि एक पिक्चर बहुत अच्छे से फॉर्म कर देते हैं हमारे दिमाग में क्लियर तो एक पूरा कंप्लीट वाइडर पिक्चर जो है हमको कुर्ग के बारे में समझ आ गया कि भाई किस तरीके की प्लेस है ये क्यों हमें विजिट करना चाहिए वाई इट इज कंसिडर्ड यू नो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेज इन इंडिया क्लियर आई होप आपको ये पूरा स्टोरी समझ आ गया होगा नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द थर्ड एंड द लास्ट स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाई